गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा आज दूसरे पाठ का नाम है प्रश्नोत्तराणी। प्रश्नोत्तराणी, प्रश्नोत्तराणी शब्द में दो शब्द मिले हुए हैं, प्रश्न प्लस उत्तराणी उत्तर, अर्थात प्रश्न उन जो प्रश्न हैं उनके उत्तर पूछे गए हैं, और ये प्रश्न और उत्तर लिंग और वचन से संबंधित हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले हमें लिंग और वचन के विषय में जानना चाहिए कि लिंग क्या है और वचन क्या है। तो विद्यार्थियों, लिंग अभी तक आपने हिंदी भाषा में लिंग के विषय में पढ़ा है कि ऐसे शब्द जो हमें लिंग के बारे में बताते हैं कि ये कौन से लिंग से संबंधित है। हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। होता तो नपुंसक लिंग भी है, परंतु उसका प्रयोग अधिक संस्कृत भाषा में ही होता है। तो लिंग ऐसे शब्द होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि ये पुल्लिंग जाति से संबंधित है ये शब्द, या स्त्री जाति से संबंधित है, या इनसे भिन्न नपुंसक से संबंधित है। लिंग के विषय में यदि बात की जाए तो संस्कृत भाषा में तीन लिंग बताए गए हैं। लिंग परिचय करते हैं, लिंग का परिचय तीन लिंग। सबसे पहले आता है स्त्रीलिंग, ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि यह शब्द स्त्री जाति के ओर संकेत कर रहा है। यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे, जैसे हम इंग्लिश में या हम साइंस में फॉर एग्जांपल बोलते हैं, तो यथा, यथा का अर्थ होता है उदाहरण के लिए, यथा बालिका। अब बालिका शब्द से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी एक बालिका अर्थात एक लड़की को बताया गया है। लिंग का दूसरा भेद है पुल्लिंग। पुल्लिंग वो शब्द होते हैं जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, अर्थात पुरुष जाति का वो बोध कराते हैं, ऐसे शब्द। यथा अर्थात उदाहरण के लिए बालक है। अब इस बालक शब्द से हमें पता चल रहा है कि एक लड़के के विषय में बात हो रही है, वो बालक, वो पुल्लिंग है। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग वो शब्द होते हैं न तो जो स्त्री जाति से संबंधित होते हैं और न ही पुल्लिंग से संबंधित होते हैं, तो उनका संबंध स्त्री जाति और पुरुष जाति से नहीं होता। उदाहरण के लिए फलम, जैसे जो फलम शब्द है ये फल के लिए आया है, तो फल से यह बोध होता है कि फल न तो स्त्रीलिंग है और न ही पुल्लिंग है, यह नपुंसक लिंग है। तो संस्कृत भाषा में तीन लिंग हैं और तीनों लिंगों का प्रयोग संस्कृत भाषा में मिलता है। इसके साथ जो हमारा पाठ था उसमें यह दूसरा जो वचनम, लिंगम एवं वचनम, अर्थात जो पाठ है किससे संबंधित है, ऐसे प्रश्न उत्तर हैं जिनमें लिंग और वचन का प्रयोग है। अब यदि वचन की बात की जाए तो वचन होता क्या है। वचन आपने हिंदी में भी पढ़े हैं, संस्कृत में भी पढ़े हैं। संस्कृत में वचनों को तीन प्रकार का बताया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि वचन होते क्या हैं। वचन ऐसे शब्द होते हैं जो हमें संख्याओं का ज्ञान कराते हैं, वो हमें संख्या बताते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ एक है, दो है, या दो से ज़्यादा है। संस्कृत में तीन वचन बताए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
एकवचन, एकवचन ऐसे शब्द जिसमें एक ही संख्या का, एक ही व्यक्ति का, एक ही वस्तु का बोध होता हो। यथा उदाहरण के लिए बालक है, बालक का अर्थ होता है एक बालक, अर्थात यहाँ पर सिर्फ एक बालक, संख्या में एक बालक की बात हो रही है। दूसरा है वचन द्विवचन, द्विवचन का अर्थ है जिसमें दो संख्या या दो चीज़ों की बात का पता चले, दो चीज़ों का हमें पता चले कि दो संख्या में दो चीज़ें हैं। तो इसका उदाहरण है बालकऊ, बालकऊ का अर्थ है दो बालक, संख्या में दो बालक। तीसरा इसका भेद है वचन का बहुवचन, बहु, बहु का अर्थ होता है अधिक, वचन वचन जो अधिक संख्याओं का बोध कराए, जिसमें दो से ज़्यादा व्यक्तियों की, वस्तुओं की बात की संख्या का हमें पता चलता है। जैसे बाल कहा, तो इसमें क्या है, इस शब्द में एक बालक नहीं, दो नहीं, दो से ज़्यादा बालक का जिक्र हो रहा है, बताया जा रहा है कि बाल कहा अर्थात बहुत सारे बालक, वो एक बालक न होकर दो न होकर दो से अधिक हैं। तो ये जो हमारा पाठ है, हमारा पाठ जो प्रश्नोत्तराणी है, वो लिंग और वचन से ही संबंधित है। तो आप अपनी बुक खोलकर बैठो और पेज नंबर 4 पे देखिए, सबसे पहले आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में, इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चा है, एक ही बालक है। तो यहाँ पर लिख रखा है एष है कह, क्योंकि जो हमारा पाठ है, पाठ का नाम ही है प्रश्नोत्तराणी, यानी कि प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे से और हमें इनके उत्तर देने हैं। तो एष है, एष का अर्थ होता है यह, कह कौन है, एष है, एष का अर्थ यह और कह का अर्थ कौन है। अब आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है। जब हम लड़के की बात करते हैं, अर्थात पुल्लिंग की बात करते हैं, तो पुल्लिंग में जब पुल्लिंग के लिए यह, यह जो आता है शब्द, उसके लिए संस्कृत में एषः शब्द का प्रयोग हुआ है। कह, कह का अर्थ होता है कौन है, तो इसकी हिंदी क्या हुई, यह कौन है। एषः बालक है, यह बालक है, अर्थात यह एक लड़का है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको पिक्चर में, तस्वीर में दो लड़के दिखाई दे रहे हैं। अब जब दो लड़के आ गए हैं, तो इनके वचन भी बदल गए हैं। ये एक वचन में था, ये द्विवचन में था। और आपको पता है कि संस्कृत भाषा में वचनों के आधार पर शब्दों के रूप बदल जाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक लड़के के लिए शब्द आया था एष है, यहाँ पर आया है एतऊ, एतऊ, एतऊ का अर्थ है ये दोनों, कऊ, कऊ का अर्थ क्या है, कौन है, ये दोनों कौन है। एतऊ, देखो उसी, जिस सेंस में प्रश्न पूछा है उसी सेंस में हमें इसका उत्तर देना है। एतऊ, ये दोनों, बालकऊ, बालक हैं, ये दोनों बालक हैं। अब यहाँ देखिए, आपको तस्वीर में तीन बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तीनों ही लड़के हैं। तो जो पुल्लिंग के लिए है, पुल्लिंग में बहुवचन के लिए यहाँ दिया है वर्ड एते, ये सभी, के कौन है, ये सभी कौन है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा डिफरेंस, यहाँ पर आपको अंतर पता चल गया। जब एक बच्चे की बात आ रही है कि यह कौन है, ये दोनों कौन है, ये सभी कौन है, उसके लिए देखिए शब्दों के रूप भी बदल रहे हैं। कह, कऊ, का, के, एते, ये सभी,
के का अर्थ है कौन है, एते बाल कहा, ये सभी बालक हैं। तो देखिए वचनों के हिसाब से इन्होंने प्रश्न पूछा और हमने उसी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर, इन प्रश्नों का उत्तर बताया। तो आपको जिस हिसाब से या जिस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है आप उसका उत्तर उसी रूप में अर्थात उस शब्द रूप में, आपको शब्द का रूप देखना है और वचन के हिसाब से संस्कृत में क्या बनता है उसी के हिसाब से आपको उत्तर देना पड़ेगा। अब दूसरे उसमें देखिए पिक्चर में, यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर देखने से ही, तस्वीर देखने से ही आपको क्या लग रहा है, इसमें पिक्चर में क्या है, तस्वीर में क्या है, लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पर किस, कौन से लिंग की बात हो रही है, स्त्रीलिंग की। ऊपर किसकी हो रही थी, पुल्लिंग की। तो हमारा लेसन भी क्या है, लिंग के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वचनों के आधार पर, वचन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ईशा का, देखो ऊपर वाले में ईशह है, यह कौन है, था तो यहाँ पर भी लड़के के लिए पुल्लिंग के लिए भी यह कौन है, लेकिन इनके वर्ड जो शब्द थे वो बदल गए हैं, क्योंकि आपने देखा है संस्कृत में उसमें इंग्लिश में भी होता है ना, लड़की के लिए शी और लड़के के लिए ही। तो इसी तरह संस्कृत में भी यह, जब आपको पुल्लिंग दिख जाए, तो पुल्लिंग आपको दिखाई दे तो आप पुल्लिंग के लिए संस्कृत में जो अलग शब्द होता है ईश है का प्रयोग करेंगे, और यदि आपको स्त्रीलिंग दिखाई दे जाता है तो ईशा। तो पढ़िए, ईशा का, यह है कौन है। अब देखो का ऊपर क्या था, कह। तो जब हम पुल्लिंग में क्या के लिए, पुल्लिंग में क्या, किम, किम शब्द रूप है, पुल्लिंग में उसका रूप अलग बनेगा, स्त्रीलिंग में अलग बनेगा। ईशा का, यह कौन है, ईशा बालिका, यह एक लड़की है। एते के, ऊपर देखिए पुल्लिंग में क्या था, एतौ कौ, नीचे क्या है स्त्रीलिंग के लिए, एते के, ये दोनों कौन है, एते बालिके, ये दोनों लड़कियां हैं। एते का अर्थ क्या होता है, ये दोनों, और के का अर्थ क्या है, कौन है। एते, ये दोनों बालिके, बालिकाएं हैं, या आप ये बोल सकते हो ये दोनों लड़कियां हैं। अब आते हैं हम इस पिक्चर पर, इस तस्वीर पर, एतः कहा, ऊपर देखिए पुल्लिंग में क्या था, एते के, और स्त्रीलिंग में क्या था, एतः कहा, ये सभी कौन हैं, एतः बालिका, ये सभी लड़कियां हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लिंग के आधार पर शब्दों के रूप अलग होते हैं और वचनों के आधार पर भी शब्दों के रूप अलग होते हैं। एक बार फिर से अब हम नपुंसक लिंग करते हैं। नपुंसक लिंग में क्या है, एतत् किम, यह क्या है। हम यहाँ पर अब किम का अर्थ कौन, कौन नहीं लगाएंगे, क्योंकि कौन किसके लिए था, हमारा सजीव निर्जीव वस्तुओं के लिए कौन नहीं लग, को क्या है ये लगेगा, कौन है ये शब्द नहीं लगेगा। एतत् किम, यह क्या है, एतत् फलम, यह एक फल है, एते के, ये दोनों क्या हैं, एते फले, ये दोनों फल हैं, एतानी कानी, ये सभी क्या हैं, एतानी फलानी, ये सभी फल हैं। तो विद्यार्थियों आपको ये वाला जो पाठ है प्रश्नोत्तराणी, आपने देखा लिंग और वचन के हिसाब से शब्द जो हैं अलग अलग हैं। तो आपको ये लेसन पढ़ना है और इसकी हिंदी
याद करनी है। धन्यवाद।